मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस की वजह से जो है लॉकडाउन किया गया है और जिसकी वजह से अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को जो है अब खाने के लिए जो है उन्हें एक एक दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। ऐसे ही एक इलाके में हम मौजूद हैं जो मुमरा बाईपास से टोल नाके के सट कर बिल्कुल गांव देवी नाम का इलाका है। यहां पर जो है ज़्यादातर जो है बंजारा समाज के लोग रहते हैं और इनका काम है कि रोज़ ये नाके पर जाकर जो है काम ढूंढते थे, वहां काम मिलता था जिसके बाद उसी पैसे से इनका गुजारा होता था, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और अब इन ये जो है एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएँ हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मोती भाई। क्या तकलीफ़ है आपको? राशन पानी नहीं है साहब, 3 दिन में 1 दिन खाना बनता है, 8 दिन से खाना बन रहा नहीं हमारा घर में, काम धंधा नहीं है, क्या खा के जिएगा? एक एक घर में 4-5 आदमी है, काम रहेगा तो रोड पे जाएगा तो भगा देता है, क्या करके जिएगा साहब? यही हमको थोड़ा मदद दे देगा गवर्नमेंट तो वही सरकार देगा तो वही शुक्रिया मान रहे हैं हम लोग। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ खाना ला के लोग दे रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, तो आपका ये जो गांव देवी इलाका है यहाँ पर क्या अभी तक कोई आया नहीं? कोई नहीं आया साहब, कोई नहीं आया आज तक, कोई नहीं आया जिसके लिए मदद मांग रहा है हम लोग भी। थोड़ा हम लोग को भी पेट के लिए भत्ता मिल जाएगा, पेट भर के खाना मिल जाएगा तो घर में बैठ के रहेगा तो ही चल जाएगा साहब। पेट को भी खाना मांगता है, बच्चा लोग रोता है, ना एक टाइम पे रहेगा ना एक टाइम पे रहेगा, थोड़ा कुछ भी मिलेगा भत्ता दे देगा हम लोग को, गरीब लोग को तो कैसे, बच्चा लोग को कैसे करके बना के खा के घर में बैठ जाएगा। अभी 8 दिन होगा बंद होगा, 1 दिन भी काम नहीं लग रहा है तो अभी 4-5 बच्चा लोग खाया तो अभी कैसे करेगा? सरकार तो कभी देख रहा है नहीं, सरकार घर तक खाना पहुँचा रहा है करके बोल रहा है, खाली टीवी में आता है बता रहा है, लेकिन घर तक खाना आ रहा है भी नहीं, कोई मदद भी नहीं आ रहा है। हम लोग तो अकाउंट भी नहीं है, अकाउंट में पैसा डालता है बोल रहा है तो अकाउंट भी नहीं है, कितना जन का तो अकाउंट भी नहीं है तो हम लोग कैसे जिएंगे? गाँव जाएंगे बोलेगा तो गाँव जाएंगे, एक गाड़ी भी नहीं है, हम लोग को पास पैसा भी नहीं है, परदेशी है हम लोग, अभी चल के जाएंगे इतने दूर इतने ना बच्चे लोग को लेके? भगवान ये अपना जो मोदी सरकार को बोलो अच्छा कर दो, हाँ करने वाला रहे तो अच्छा कर दो, नहीं तो ऐसा भुक्का नहीं मारो ऐसा बोल दो। गरीब पर हम लोग को खाली साइड। कोरोना वायरस को देखते हुए जो लॉकडाउन किया गया है, कहीं ना कहीं ये खतरा जो है बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में जो है अब भूख की भी समस्या बढ़ गई है, लोगों तक राशन नहीं पहुँच रहे हैं, उसके वास्ते तो हमें भी बोल रहे ना साहब, हम लोग को भी तो थोड़ा बीड़ा मदद कर देगा तो हम लोग भी वही डर के हम लोग भी घर में से बाहर नहीं निकल रहे, बीमारी की वजह से ही तो घर में से दरवाजे में से बाहर नहीं निकल रहा है साहब। हम लोग को भी थोड़ा मदद कर देगा अनाज तो हम लोग भी घर में खा के बैठ जाएगा, हम लोग थोड़ी बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, हम लोग को भी डर है, हम लोग को भी डर है, नहीं तो हम लोग गाँव तलक पूछ कर देगा तो बस हो गए हम लोग को। खाना आप लोग के घर में बन रहा है या नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है साहब, 4-4, 5-5 बच्चे हम लोग का, इधर गाँव छोड़ के गाँव परदेश में हम लोग कमाने खाने के लिए आया था, मतलब ये ऐसा जख्म हुआ है, हम बीमारी आ गई, रोड पे जाके तो भगा देते घर से बाहर, 1 हफ्ता से हम लोग घर से बाहर नहीं है, 5-5, 4-4 बच्चे को क्या डाक बना के खिलाएंगे हम लोग? हाँ पैसा नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, सरकार मोदी को हम लोग को कुछ हेल्प करे, नहीं तो हम लोग को कुछ गाड़ी कुछ भी चालू करने के लिए बोला, हमारा देश को हम चले जाएंगे? हाँ हमारा बाल बच्चा भुक्का मर रहा है, घर से बाहर नहीं है, बोलते घर से बाहर मत निकलो, क्या करेंगे हम, क्या खाएंगे, क्या रहेंगे? गोर गरीब को कुछ दो, कुछ मदद करो, हाँ हाथ विनती करके हम लोग बता रहे हैं आप लोग को, गौर हम लोग को गौर गरीब को कुछ हेल्प कर दो, बस यही हमको मेहरबानी है। छोटे छोटे बच्चे हमारा 10 दिन से घर पे बैठे हुए, कुछ खाने नहीं है पीने नहीं है, हमारा देश छोड़ देश के में आया के बैठे हम लोग पेट के लिए, ऐसा हुआ करके नहीं पहले बताए, नहीं तो हमारा देश हम चले जाते थे, पहले 2 दिन बताते तो हमारा देश हम चले जाते थे, लेकिन हम बहुत परेशान बोले गए थे, बहुत परेशान, हमको खाना नहीं पानी नहीं, घर में नमक नहीं, नमक तक नहीं है, वैसा भूखे प्यासे मरे, अभी नहीं बोलेंगे तो एक टाइम बन रहा है एक टाइम नहीं बन रहा है, कैसा भी करके जहाँ चावल बनने का है उधर चटनी भी नहीं मिल रहा है, ऐसा रुका सुखा खा के बच्चों को खिला रहे हम लोग, भूखे प्यासे पड़े हुए, भूखे प्यासे पड़े हुए बच्चे, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं हमारे, दूध के लिए खाना के लिए रो रहे, घर से बाहर निकल रहे तो पुलिस डंडा लेके भगा रही है, भगा रही है तो घर से बाहर हम जाएंगे तभी ना कुछ मेहनत करने वाले, हमारा घर में तो इधर पिकता नहीं बाबा, खेतीबाड़ी है ही नहीं, खेतीबाड़ी है ही नहीं तो अभी क्या कर सकते हम, घर को देख के क्या खाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध के लिए मर रहे हैं, दूध नहीं है इधर, राशन पानी नहीं है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, कौन सा एरिया में जाएंगे, बाहर निकलेगा तो पुलिस डांट रही है, क्या करेंगे हम लोग, मरेंगे बच्चे लोग को लेके रोड पे भीख मांगेंगे, घर तक लेके आके दो हम लोग को खाना, नाके पे काम नहीं लग रहा है, कुछ नहीं है, बंद कर दिया पूरा एरिया,
क्या करेंगे गरीब लोग, गांव छोड़कर गांव में आए, बच्चे लोग गांव में मर रहे हैं, हम लोग इधर मर रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, राशन नहीं है घर में कुछ नहीं। 8 दिन से खाना हमारा घर में जो राशन पानी है थोड़ा थोड़ा चला रहा है, हमारा बच्चा लोग को कोई खाना नहीं दे रहा है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखो सरकार सुनो, हमारा जो परिवार है इधर, हम लोग इधर ही है, गांव का गांव में है, हमारा परिवार को कैसे ही करके राशन पानी भेजवा दो, हम लोग गोर गरीब खा के बचेगा, तुम्हारा तो भी आशीर्वाद मिलेगा, दुआ मिलेगा, बदुआ मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, जो मिलेगा जो दे दो हम लोग को राशन पानी, गोर गरीब जो एरिया है वो बता दो हमारा। आप लोगों के घर में खाना बन रहा है? अभी फिलहाल नहीं बन रहा है। खाना बन रहा है लेकिन हम लोग जो गांव से लाया था चटनी रोटी खा लिया, 8 दिन हुआ अभी तो नहीं है, अभी क्या खाएगा हम लोग, एक टाइम बनाता है एक टाइम नहीं बनाता है, बना के खाने का भी कोई फायदा नहीं है, हम लोग नाका पे जाएगा तो हवालदार मारता है, रोड पे निकलेगा तो हवालदार भगाता है, राशन पानी लेने को जाएगा तो पैसा नहीं है, हम लोग क्या ला के खाएगा, आप बताओ सरकार बता को हम लोग को कुछ भी भेजो खाने को। तो आपने सुना कि जिस तरह से ये महिलाएं, इनका कहना है कि कभी इनके घर में खाना बनता है कभी नहीं बनता है, हालांकि यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों तक मदद पहुँच रही है, लेकिन जो इनका इलाका है यहाँ पर अभी तक किसी भी तरह की इनकी कोई मदद नहीं पहुँची है, और इनके घरों में जो है कभी चूल्हा जलता है तो कभी नहीं जलता है, और इस वजह से ये काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये अपना पे अपने अपना भूखा तो रह सकते हैं लेकिन जो इनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको समझा पाना काफ़ी मुश्किल है। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।